सर्विस देंगे, सारी सर्विस देंगे उस तरह। Her name is Shwain Shwain. Needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम पतोंग बीच पे, पतोंग बीच जा रहा हूँ। मैं हूँ इस टाइम बंगला स्ट्रीट पे और दिन में मतलब 5 बजे के करीब, 5:30 के करीब कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल खाली है, बट यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यार। आप आओ तो कोशिश करो कि रेस्टोरेंट्स में जाओ। तो यार अपना क्या कहते हैं, मैं अभी हॉस्टल से निकला हूँ अपने, 4:30 हो गए हैं, 5:30 हो गए हैं और मैं जा रहा हूँ बीच पे सनसेट देखने और थोड़ा वहाँ पे शूट वूट करना है। फिर मैं आऊँगा वापस बंगला स्ट्रीट पे। फिर उसके बाद आपको बहुत सी चीज़ें अभी मैंने दिखानी है फुकेट के बारे में, तो बने रहो मेरे साथ। और ये देखो टाइगर नाइट क्लब वेलकम टू पतोंग बीच। आओ मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ पतोंग बीच का। इसको कहते हैं बीच, पताया का बीच बहुत गंदा है ये, इसको कहते हैं बीच। और अभी तो ऐसे ऐसे बीच दिखाऊंगा हिल जाओगे। बंद करके बताऊंगा कि कैसे सस्ते में फुकेट, कराबी, फीफी और पताया और बैंकॉक का टूर किया जाता है और कितने दिन में किया जाता है और कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके होंगे। और मैं आपको बताऊँ कि पताया बीच थोड़ा सा गंदा है, ये बहुत ही साफ है। पीपल आर वेरी गुड और द थिंग इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यहाँ पे जो आपको फीलिंग आएगी ना वो आपको पताया में नहीं आएगी। और स्पेशली हमारे नए नए हनीमून बनाने जो आ रहे हैं वो फुकेट आओ, पताया मत जाओ। फुकेट में आपको बहुत अच्छी फील आएगी। यहाँ पे इंडियन, रशियन एंड यूरोपियन, यूके, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन सब क्राउड है। यू गोना लव इट। इतना साफ बीच मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। देखो फैमिलीज आ रखी, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे नहा रहे हैं, क्यूट क्यूट से बच्चे, गोरे बच्चे, रशियन के बच्चे, सब सारे इतने मज़ा आ रहा है यहाँ पे देख के। क्राउड भी बहुत बढ़िया है और फीलिंग भी है। वो देखो पहाड़ी, देखो क्या पहाड़ियाँ हैं। वो मैडम को देखो बियर पी रही है। और आप देखो सारा इतना बढ़िया माहौल हो रखा है, फुल टू माहौल हो रखा है। बस मैं यही बोलूँगा यार, हम लोग मॉरिशियस जाते हैं हनीमून के लिए और अच्छे बीचेस के लिए, तो अभी ऐसे और से बीचेस दिखाऊंगा जो इतने साफ, इतने मस्त, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पे ना गंद नहीं है, जैसे पता है मैं प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे है वो तो दिल्ली में भी है, हर जगह है, बट यहाँ पे अलग क्लास है इनकी। और यहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट्स में मैंने नोटिस करा है इंडियन से ज़्यादा रशियन और आपके यूके के और ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडियन खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, फॉरनर्स, नॉट इंडियन, फॉरनर्स। यार ये भी चीज़ बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये आपको बताएंगे कि ये विस्की एक बहुत ही 10 हर्बल वाली विस्की, जबरदस्त विस्की है ये। मैडम आपको बताएंगी, यहाँ की ओनर बॉस है यहाँ की, कि इस विस्की के फायदे। सो प्लीज टेल अबाउट दिस विस्की। या दिस विस्की वी हैव द थाई हर्बल अराउंड 10 थिंग टू इनसाइड एंड विद द हनी। ओके, वी कीप दिस वन इफ यू मोर द डे, मोर डिलीशियस, मोर स्वीट, एंड दिस वन मोर गुड फॉर पावर फॉर पीपल दे आर नॉट वर्किंग। This one make you hot inside, very hot. And how much for this? How much for one bottle? This one bottle is not too much, not expensive here. This one they allow 180 baht. Only? Yeah, and then you have to put whiskey by yourself or you want vodka or anything you can. Water, whatever, yeah, water, whatever soda. You want, yes. Okay. तो हम टूर पैकेज फीफी आइलैंड के लिए बुक कर रहे हैं
और टूर क्या, हम तो डायरेक्टली फीफी जाएंगे, टूर अभी नहीं लेंगे क्योंकि हॉस्टल बुक है हमारा बहुत तगड़ा, इबीजा हॉस्टल, पार्टी हॉस्टल बुक है फीफी में, तो उनसे टूर भी लेंगे, इनसे स्कूटी भी लेंगे, स्कूटी भी दे रही हैं। एक इन्होंने ऑफर करा है मुझे कि भाई विस्की पी के देख ये वाली, ये बहुत ही लोकल है और कहते हैं ये दूसरे कामों में भी बड़ी काम आएगी, तो ट्राई करके देख, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ उसे, मैं पीता तो नहीं हूँ नॉर्मली, लेट मी ट्राई आई लाइक और नॉट, जस्ट से भाई था जुड़वा लो, हर्बल तो है, मेरे तो हर्बल निकल गया। कितना हैपनिंग है यहाँ पे यार, बहुत ही हैपनिंग है यहाँ पे, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और आप मानोगे रात को 11 12 बजे भी, मैंने 9 10 11 बजे भी देखा है यहाँ पे नहा रहे थे लोग, देखो ये होता है नज़ारा, नज़ारे लो ये देखो, मेरा तो मन कर रहा है शर्ट उतारूँ, कच्चे में घुस जाऊँ अंदर फटाफट पानी में, और पूरा और साफ़ है यार, ये नहीं कि गंदा है, साफ़ है, देखो कितने लोग नहा रहे हैं उस तरफ, देखो दबा के कितने लोग नहा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं पूरे। और ये देखो पैरासीलिंग भी हो रही है, पैरा वो देखो ऊपर से देखो पैरासीलिंग में चल रही है, यहीं पे स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर, आप जो करना चाहते हो फुल ऑन करो, फुल मज़ा आ जाएगा आपको यार यहाँ पे, ज़बरदस्त जगह यार ये। जिन्होंने शॉपिंग करनी है, जो आ रही हैं लड़कियां, जो सोलो ट्रिप पे भी हैं और जो चाह रही हैं कि भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड्स या अपने हस्बैंड्स के साथ आ रही हूँ, उन्हें लूटना है, तो यहाँ आके लूटो अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड्स को। मैं हूँ इस टाइम बीच रोड पे, जो कि पटोंग की बीच रोड है फुकेट की, और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ द हेल्दी एनवायरनमेंट, नॉट लाइक पताया एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एक बार यार आओ, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको, और बहुत ही मतलब मैं कुछ चीज़ें ना आपको वीडियो में या बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता, फॉर दैट यू हैव टू कम। और मुझे लगता है कि आप आओगे तो आप खुद बोलोगे, थोड़े पहले दिन के बाद दूसरे दिन आप जब देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि यार मज़ा आ गया, कल मैं जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त जगह, कल मैं आपको बीच भी दिखाऊँगा, बहुत ज़बरदस्त बीचेस हैं, और कल मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा एक बहुत ज़बरदस्त व्यू पॉइंट से, कल मैं आपको एक टेम्पल, यहाँ का जो सबसे बड़ा फेमस टेम्पल है वो भी दिखाऊंगा आपको, कल मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा टोंग बीच पे, बीच रोड पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने का सिस्टम है, अगर आपको पसंद है थाई फूड तो ये देखो यहाँ पे ये सब मिल रहा है, 100 baht, 140, 110, 80 baht, ऑल्स्टर, तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप खाना चाहते हो तो आओ, ये केकड़ा खाओ, जो भी आपको खाना, जो भी आपको पसंद है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, मैं तो यार ये पसंद नहीं करता, बट अगर आप करते हो और यार नहीं भी करते हो, ट्राई करना चाहते हो तो आगे ट्राई करो, बड़ा मज़ा आएगा। और यहाँ का एनवायरनमेंट मज़ा आ रहा है यार, फीलिंग बोरी आ रही है, फुकेट जरूर आओ एक बारी। हम लोग पूरे इंडियंस का ना एक प्रॉब्लम है, हम इंडियंस लोग क्या करते हैं, हम इंडियंस लोग सिर्फ पताया और बैंकॉक से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो अब लोगों ने आना शुरू कर दिया है, बट स्टिल मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक बारी फुकेट आओ, पटोंग बीच आओ, और एक टूर ले लो बढ़िया सा फीफी आइलैंड का, और एक टूर ले लो आप बढ़िया सा लोकल सिटी टूर, ओल्ड टाउन भी जाना, मैं कल आपको ओल्ड टाउन भी दिखाऊंगा, फुकेट ओल्ड टाउन, ऐसा लगेगा यूरोप में आ गया हूँ, आपको फुल नज़ारा दिलाऊंगा। और जो देखना चाहते हो कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ खुराना साहब _09 पे। कल बनाना शेक पिया था, मज़ा आ गया था, आज फिर बनवाया, कल थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, आज थोड़ा कम ठंडा बनवाया है, तो देखते हैं कैसा बना है। साइज़ अच्छा है यार, साइज़ चेक करो भाई, साइज़ अच्छा है। तो मैंने ना एक चीज़ और ली है कि भाई थोड़ा फ्रूट्स भी खाएंगे, बहुत बड़ा गिलास है, बट क्वालिटी इज़ गुड, हेल्दी है, साफ़ सफाई है, ऑर्गेनिक है, और क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, देख लो आप, मज़ा आ जाएगा। तो भाई ये देख रहे हो सनसेट, क्या सनसेट हो रहा है, क्या नज़ारा आ रहा है, फुल सनसेट, घमासान हो रखा है यहाँ पर। यहाँ पे आओ आप तो यहाँ पे सही है यार, आराम से बैठो, बियर वियर लेके चिल मारो, कहीं भी बैठ जाओ बियर लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्राउड आया हुआ है, खा पी रहा है, फुल मज़े चल रहे हैं, मस्ती हो रही है, तो आप आओ जब भी, अपना फूड इंजॉय करो और फैमिली टाइम इंजॉय करो। तो भाइयों मैं निकल रहा था यहाँ से पटोंग बीच पे, तो सामने पटोंग बीच है, ये सर्विस लेना है, ये बीच रोड है, मैंने देखा है यहाँ पे द चाइनो यार्ड, तो मैंने कहा देखते हैं इसके अंदर क्या है भाई, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी इंडियंस और रशियन सारे अंदर जा रहे हैं, मैंने कहा ट्राई करते हैं, चलो आओ देखते हैं अंदर क्या है, लेट्स सी व्हाट अ एंट्रेंस।
लाउंजेस हैं, छोटे छोटे लाउंजेस हैं ऑन द बीच बार, ऑन द बीच बार, ऑन द बीच बार। सो दे आर कॉलिंग कि हमारा प्रमोट करो भाई। सो ऑन द बीच बार इज अ इट्स अ बार इन फ्रंट ऑफ द बीच, पतोंग बीच। सो यू कैन कम हियर एंड हैव गुड टाइम, हैव बियर एंड शो मी दैट। आप इनका ये भी देख सकते हो कॉकटेल मेन्यू, दीज आर द मेन्यू, इसमें सारे प्राइजेस लिखे हैं, 180 बार एंड एवरीथिंग, विस्की एंड ऑल दैट कॉकटेल्स, बियर एंड हॉट शॉट्स। तो यहाँ पे क्या एक अच्छा सा फील है, तो ये लोग आपको और फीलिंग दे देंगे, तो ये लोग आपको सारा सर्विस देंगे, सारी सर्विस देंगे, उस तरह की नहीं, मतलब हर तरह की सर्विस देंगे। बाकी आगे भी शॉप्स देख सकते हो, पूरी मार्केट है और खाने पीने की भी मार्केट है। आ जा, खाने पीने की मार्केट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी भैया, क्या बना रहे हो? व्हाट इज दिस? पॉक, नो चिकन भाई, पॉक मिल रहा है, पॉक मिल रहा है यहाँ पे। तो जो लोग पॉक खाना पसंद करते हैं वो आके खा सकते हैं, कोई जो लोग नहीं करते वो इग्नोर कर सकते हैं मेरी तरह। यहाँ पे थोड़ा अंदर का सामान भी मिल रहा है और बाकी तो यहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स हैं। आ जाओ यहाँ से, आ जाओ, आओ यहाँ पे। रशियन क्राउड भी बैठा है यहाँ पे, खा पी रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ खाने पीने का पूरा सिस्टम बना हुआ है, आप देख सकते हो पूरा सिस्टम है। यू कैन कम हेयर एंड यू कैन हैव गुड फूड ओवर हेयर। शेक्स वगैरह बहुत है यहाँ पे ना, फ्रूट्स से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा है, शेक्स एंड ऑल दैट, यू गेट एवरी थिंग बट ऑर्गेनिक। व्हाट्स योर नेम? What is your name? Shwain. So ye log they are selling shakes and all that and they are making good stuff. Please show them. What is this? Ice cream. See how they make a ice cream. And if you are nearby Patong Beach, you can come inside and you can have it. वीडियो को करते हैं एंड। देख रहे हो आँखों में क्या हो रहा है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। टाइम हो गया है 12:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी मैं आया हूँ कोहिनूर इंडियन रेस्टोरेंट पे। कल भी आया था रात को, सुबह भी आया था कल। इनका खाना लाजवाब है, इनके ओनर पाकिस्तानी हैं और शेफ इंडियन है, और बहुत ही लाजवाब खाना। तो खाना वाना खाते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन subscribe my channel for the motivation and follow me on instagram id is ranasab_09। to milte hain aapse agli video mein, till then goodbye। 8-10 km aa gaye hain, thoda sa hi reh gaya yahan se। koi aisi cheez dikhane wala hu main ki aap zindagi bhar yaad rakhoge। to bhai ye niche chalte hain, bahut hi zabardast hai, maine le liya americano aur main aapko bahut hi historic और बहुत ही हाइट पे, जो सबसे ऊपर हाइट पे। कोई भी कपल, कोई भी लड़की सोलो ट्रिप पे किसी पे भी आती है तो वो चीज़, एक चीज़ का ध्यान रखना।